अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आईफोन के ज़ेपियर में कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं आईफोन से कंप्यूटर या लैपटॉप में, और कंप्यूटर या लैपटॉप से आईफोन में कैसे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ कि आईफोन में कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं या कंप्यूटर में कैसे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आपने सबसे पहले अपना जो ब्राउज़र है वो ओपन कर लेना है। तो मेरा ब्राउज़र ओपन हो गया है। तो अपने ब्राउज़र में जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है, एक मिनट ये आ गया है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है ज़ेपियर फॉर पीसी। ने यहाँ पर ज़ेपियर फॉर पीसी वाले ऑप्शन में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा ड्यू मोबाइल। तो आपने ड्यू मोबाइल वाली वेबसाइट खोलनी है, और कोई वेबसाइट नहीं खोलनी, वहाँ पर फेक होते हैं। तो ये जो ज़ेपियर की अपनी वेबसाइट है वहाँ से आपने ओपन करनी है। यहाँ पर ये जो आई ज़ेपियर वाली है वेबसाइट, वहाँ पर अपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो इंटरफेस आएगा वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ज़ेपियर को डाउनलोड करना है। तो ये ऐसे इंटरफेस आएगा, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो मेरे पास थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ी देर लग रही है। आप इतने तक मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आपने ज़ेपियर पीसी फ्लेक्सिबल फाइल ट्रांसफ़र और पीसी, ये जो थर्ड नंबर पे है पहली लाइन में, वहाँ पर आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक मिनट यार, मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग हो गया। तो यहाँ से आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपने डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, सेव फाइल कर लेनी है। तो ये मेरा थोड़ा एक बार पहले डाउनलोड किए हुए थे, वो ऑप्शन आ रहा था कि यस और नो। तो यहाँ पर डाउनलोडिंग शुरू हो गई है। तो ये देखें कंप्लीट हो गई है, मैंने वो क्लिप दरमियान वाला निकाल दिया है, बहुत देर लगी थी। तो यहाँ पर आपने ओपन फोल्डर कर लेना है। ओपन फोल्डर में आपकी जो होगी ज़ेपियर, जिस भी फोल्डर में खुला है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरा ज़ेपियर आ गया है। तो आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम में। यह थोड़ी देर लेगा, तकरीबन 2-2.5 मिनट लेगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि क्यों इंस्टॉल नहीं हो रहा, इंस्टॉल होगा लेकिन थोड़ी देर लेगा। तो ये आ गया ऑप्शन ज़ेपियर आई कंसेप्ट एग्रीमेंट, यहाँ पर क्लिक करने नेक्स्ट कर देना है। ये नेक्स्ट कर देना है कि आपने कौन से ड्राइव पे करनी है ये इंस्टॉल, तो हमने इसे भी नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पर भी नेक्स्ट करिए 4 कप। तो क्योंकि मैंने पहले से ज़ेपियर इंस्टॉल किया हुआ है, तो इस वजह से बार बार आ रहा है ये। तो मैं यहाँ से इसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ से आपने अपना ज़ेपियर ओपन कर लेना है। तो ये आपका ज़ेपियर ओपन हो गया है। ये ऐसे इंटरफेस आएगा पीसी और लैपटॉप में। तो आपने अपना पहले डाटा केबल के साथ अपना आईफोन कनेक्ट कर लेना है। आपको जो भी आईफोन हो, एक्स हो, 11 प्रो मैक्स हो, 12 प्रो मैक्स हो, 6 हो, जो भी हो, जो भी मॉडल हो, तो आपने अपना डाटा केबल के साथ अपने मोबाइल कनेक्ट कर लेना है। तो मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ, ये इंटरफेस आ गया ऐसे। तो यहाँ से मैं अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। ये यहाँ से मैंने अपना मोबाइल ये कनेक्ट कर लिया। ये ज्वाइन ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा आईफोन एक्स है तो ये कनेक्ट हो गया। तो यहाँ से आपने अपने ज़ेपियर से जो भी भेजनी है फाइल वो आप आसानी से भेज सकते हैं। तो
मैंने फाइल सेलेक्ट की और भेज दी। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, आपकी वाईफाई सिग्नल या आपके नेट की कितनी स्पीड फास्ट है, तो ये उस पे डिपेंड करेगा। तो ये शेयरिंग हो रही है, फाइल ट्रांसफ़र हो रही हैं। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा ना ड्राइव, तो ये उसी ड्राइव में सेव होंगी, जहाँ पर भी आपने ज़ैपी इंस्टॉल किया होगा ना उसी ड्राइव में ये सेव होंगी, वीडियोस और फ़ोटोज़ वगैरह जो भी आप भेजेंगे। और ये जो आप पीसी से भेजेंगे ज़ैपी की तरफ, तो ये ज़ैपी में भी इसी तरह शो होगी, लेकिन आपने इसे इंपोर्ट कर लेना है। ये हिस्ट्री में जाएंगे ना, हिस्ट्री में जाने के बाद आपने वीडियोज़ को इम्पोर्ट कर लेना है, बड़ी वीडियोज़ होंगी तो उन्हें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अपना भेज, तो ये कंप्यूटर से आप अपनी वीडियोस और फाइल वगैरह भेज सकते हैं। आपने सेंड फाइल पर क्लिक करना है, यहाँ पर अपनी फाइल सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी ड्राइव में होगी सेलेक्ट करने के बाद आपने ओपन पर क्लिक करना है। लेकिन शर्त ये है कि जो भी आपका नेटवर्क जिससे भी कंप्यूटर कनेक्ट हो गए, जिस भी वाईफाई से या जिस भी मोबाइल से या जिस भी PTCL या जो भी आपकी होगा रूटर वगैरह उसे कनेक्ट होगा, तो उसी रूटर से आपका मोबाइल भी कनेक्ट होना चाहिए। कि जो भी आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट हो, तो उसी नेटवर्क से आपका अपना मोबाइल भी उसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तो तभी ये मुमकिन है। अगर ये ना हुआ तो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा और आप मुझे फिर कमेंट में शिकायतें करेंगे। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो PC और लैपटॉप है जिस भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा उसी नेटवर्क से आपका मोबाइल आईफोन उसी नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो ये पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोज़ वगैरह आपको मिलती रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।